बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तनवीर टूर ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम। 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 उसका 2 जो क्वेश्चन है उसके तमाम के तमाम कंप्लीट पार्ट्स, मे बी इसके 6 पार्ट हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास x² - x - 20 = 0। यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक पे भी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। उसने हमें मेथड बता दिया है कि आपने इस मेथड को लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, वक्त जाया नहीं करते। तो हमारे सामने जो है x² - x - 20 है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -20x किरा देगा। अब हम यहां पे जो मिड पे है वो लिख देंगे -x। अब इसका जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का उसको हम करेंगे फैक्टराइज 2, 10 टाइम 2, 5 टाइम 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 इज इक्वल 20। अब हम इसमें से पेयर लेंगे, तो ये पेयर क्या आएगा, ये आएगा 4 क्रॉस 5 इज इक्वल 20। हमें चाहिए साइन जो है वो चाहिए माइनस की, तो ए के साथ माइनस आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा वो यहां से देखेंगे जब हमने ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहां पे अगर हमारे पास माइनस हो 5 के साथ, या प्लस माइनस करेंगे, ये देखें 4 - 5 = -1 जो कि इसके इक्वल है। तो यहां पे हमारा जो फैक्टर है वो 4 और 5 है, तो यहां पर हम लिखेंगे x² - -5 with x + 4x - 20 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसको 9th में भी आपने काफी पढ़ा हुआ है फैक्टराइज करने का मेथड। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, और जब हम इसके पेयर लेंगे तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो x² और -20 का प्रोडक्ट आए। तो अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस एक्स आए, मिड वाली वैल्यूज आए, तो वो हमारे पास आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, ये लाइन अंडरलाइन आपने करना नहीं है, सिर्फ आपको स्पेलिंग कर रहा हूं। इसमें से कॉमन लेंगे x (x - 5), अब प्लस इसमें से कॉमन लेंगे 4 आएगा एक्स, 4 5 टाइम 20 = 0। अब ये देखें इनटू हमारे पास सेम है, फैक्टराइजेशन में जो इनटू में आता है वो सेम ही आता है। सेम ना आए तो आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आपका जो फैक्टराइज का मेथड है वो आपने गलत कर दिया है। तो अब यहां पे हम इसको कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा और इनटू में x + 4 = 0। अब यहां तक हमने जो किया है उसके बाद x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, तो x - 5 = 0 और x + 4 = 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब x के लिए फाइंड करनी है, तो x = 5 और x = -4, इट्स योर सॉल्यूशन। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं हम, वो लिखा हुआ है 3x² = y (y - 5). तो यहां पे हम पहले इनटू के साथ y को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3y² = y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y² - 5y। अब हमने क्या करना है, अब हम ले आएंगे अदर एंड पे 3y² - y² + 5y = 0। y² and - y को हम लाए हैं राइट टू लेफ्ट साइड पे और इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अब हम प्लस माइनस करते हैं, ये देखिए हमारे पास y² है, तो हम हमारे पास प्लस और माइनस है, तो यह जगह 2y² + 5y = 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, y आएगा और इनटू में क्या आएगा 2y + 1y कॉमन जो बच गया है यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे y हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो पीछे क्या बचेगा 5 = 0। तो यहां पे हमारे पास देखें जरा y = 0, ये y = 0 और 2y + 5 = 0। यहां पे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये आंसर आ गया, लेकिन यहां पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2y = -5। ये देखिए प्लस 5 है, इसको लाएंगे अदर एंड पे, तो इसकी साइन को चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -5।
अब हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और टू जो है वो वाई के साथ क्या हो रहा है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अदर एंड पे इसको क्या कर देगा हम, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा, वाई इज इक्वल माइनस फाइव अवर टू। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने की कोशिश करते मैं रेज कर लू। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने लिखा हुआ है, 4 - 32x = 17x2। तो हम यहां पे पहले इसको एक तरतीब से लिखते हैं, इसके कॉफिशियंट के मुताबिक पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको लाएंगे अदर एंड पे, तो यह आएगा माइनस 17x² - 32x + 4 = 0। यहां पे आप अगर आपका x के कॉफिशिएंट के साथ माइनस है तो आप इसको कॉमन लेकर इस माइनस को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कॉमन लेता हूं माइनस, तो ये आ जाएगा 17x² + 32x, और ये जो प्लस है इसको माइनस में लिख देंगे और इज इक्वल 0। ये माइनस इक्वल 0 कैंसिल कर देंगे एंड 17x² + 32x - 4 = 0। अब यहां पे हमारे पास वो इक्वेशन बन चुकी है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहां पे देखते हैं इसके फैक्टर क्या आएंगे। ये देखिए हमारे पास 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई हमारे पास इसको करेंगे लास्ट वाली वैल्यूज के साथ, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये 4 है तो 2 + 2, इसी में से हमने पेयर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो आए, और प्लस माइनस करें तो 32 आए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं, हमारे पास चाहिए हमें क्या, प्लस चाहिए, जो ग्रेटर में वैल्यू होगी उसके साथ हमने प्लस ही यूज करना है। तो प्लस प्लस 17 2 टाइम और माइनस 2। अब ये देखें इनको अगर हम प्लस करें तो ये आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है। अगर हम इसको ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास प्लस 32 भी आ रहा है। तो ये इसके फैक्टर है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 17x² + 34x - 2x - 4 = 0। ये इसको फैक्टराइज किया। अब इसको आगे स्टेप नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 17x कॉमन आ जाएगा, इनटू में बचेगा x प्लस 17 टू टाइम 34 होता है तो यहां पे 2 आ जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया है तो ये माइनस 2 आ जाएगा और इनटू में x। अब यहां पे हमने माइनस 2 लिया है कॉमन, जब माइनस लिया है कॉमन तो इन 2 की साइन को हमने चेंज करना है। यहां पे माइनस था तो यहां पे हमारे पास x का आ गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, यहां पे 2 2 टाइम 4, और ये जो माइनस है ये प्लस आ जाएगा और यहां पे 2 = 0। अब ये देखें ये x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों में है और ये कॉमन इसको करते हैं x प्लस 2, और ये देखें 17x माइनस 2 को कंबाइन करते हैं और इज इक्वल 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये x प्लस 2 हमारे पास इक्वल 0 हुआ एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो यहां पे x इज इक्वल माइनस 2 एंड यहां पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल, यहां पे माइनस 2 है इसको अदर एंड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और 17 यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसका पार्ट नंबर 4 है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ये देखिएगा जी स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमने इसको भी हमने तरतीब लाना है, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक के साथ एक्स भी आ रहा है जो कि हम बुक से देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है। यस, यहां पे हमारे पास एक्स है, अब ये ठीक हो गया। तो यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं तरतीब से लिखने के बाद, ये देखें x² - 11x, और यहां पे इक्वल में है यानी कि इक्वल के उस साइड पे है जिसको इनटू में लाने के लिए यानी कि अदर एंड पे लाने के लिए राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो इसकी साइन को चेंज करेंगे इज इक्वल 0। अब हमने फैक्टराइज करना, फर्स्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1
20x2। तो हमारे पास जो मिड वाली वैल्यू है वो ये है -11x। अब हम फैक्टराइज करते हैं 150 को, ये 2 टाइम करेंगे 27 टाइम, तो 1 हमें मिल जाएगा, तो 1 5 टाइम। आगे जी 3 पे काट लेते हैं, 3 2 टाइम 6, 17 15, तो 3 5 टाइम, तो ये देखते हैं 5 टाइम। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी वैल्यू देखनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 150 आए, और हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11x आए। सो इसमें से हमने पेयर लेना है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब हमारे पास ये 11 है, 2 7 टाइम, 2 5 टाइम, 3 2 टाइम, 6 3 5 टाइम, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से पेयर लेने हैं, तो इसमें से पेयर क्या आएंगे वो देखते हैं हम। यहां पे हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, इसी तरह अगर हम 6 को, मैं फिर से एक दफा ना क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन हमारे पास में भी गलत लिखा गया है। यस सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे 50 नहीं है, 150 नहीं है, 152 है। अगर यहां पे 152 है तो यहां भी 152 आएगा, और यहां पे 152 आएगा। अब 152 के हमने फैक्टर लेने हैं। अब मैं साथ साथ लिखूंगा, पहले नहीं लिखूंगा वैल्यू। तो अब हमारे पास जो आ गया है वो 152 आ गया है, तो 152 2 7 टाइम सेम आ जाएगा, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 2 8 टाइम, 2 1 टाइम, 2 9 टाइम, 18। ये हमारे फैक्टर आ गए हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 19, 19 आगे हमारा फैक्टर नहीं चलता। तो अब हमने क्या करना है, 2 2 टाइम, 4 4 टाइम, 8 8 मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 152, और हम इसमें से ये देखें 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो अब हमने साइन को यूज करना है, तो साइन हमें चाहिए ग्रेटर के साथ माइनस, तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमने माइनस ग्रेटर में ले लिया है तो वो 19x है, और प्लस हमने 8x करना है, माइनस 150 करेंगे इक्वल 0 कर देंगे, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। और इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं रेस्ट कर रहा हूं जो एक्स्ट्रा है साथ। अब ये स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे इनटू x माइनस 19 प्लस प्लस, इसमें से हम क्या लेंगे, ये देखें 8 आएगा, 8 कॉमन लिया इनटू x माइनस 19 इक्वल 0, तो x माइनस 19 कॉमन, x प्लस 8 इज इक्वल 0, x माइनस 19 इक्वल 0 एंड x प्लस 8 इक्वल 0। अब हम दोनों में से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो ये हमारे पास x है तो इज इक्वल 19 बन जाएगा, और x इज इक्वल माइनस 8, इट्स योर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जी। जिस वर्ड्स, इसी क्वेश्चन के जो लास्ट टू पार्ट्स हैं वो मैं लिख दिए हैं, आपने देखा है जब इससे पहले क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन स्टार्ट पे ही रुक गया था, फिर मैंने चेक किया कि मैंने लिखने में गलती कर दी है, उसकी जो इक्वेशन थी गिवन हमें, तो मैथमेटिक्स में होते ही ऐसे है, जब भी क्वेश्चन गलत होता है तो ये हमें खुद बताता है कि मैं गलत हो गया हूँ, थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा बस। अब यहां से इसको स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसको हमने फैक्टराइज करना है, और इसको पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो इसका एलसीएम आ रहा है, ये देखें एलसीएम हमारे पास x इनटू x प्लस 1 है इसका, और इक्वल में मैंने सेम लिख दिया है, इसका मतलब है मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं,
तो यहां पे हमारे पास जो है वो x प्लस वन है ये वाली, और अवर में हमारे पास x है ये अवर x कैंसिल है और यहां पे आ जाएगा ये x प्लस वन, आगे ये प्लस आएगा और x आएगा। अब x प्लस वन और x प्लस वन ये कैंसिल है और यहां पे आ जाएगा इन टू में x इक्वल, मैंने पहले लिख दिया सेम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे तो x प्लस 1 को x से करेंगे तो x 1 टाइम x प्लस 1 टाइम 1 प्लस ये x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x 1 टाइम x इज इक्वल 25/12। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं प्लस माइनस करते हैं तो ये देखें ये एक्स स्केयर है ये एक्स स्केयर है तो ये आ जाएगा टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस एक्स तो प्लस टू एक्स प्लस वन और सेम आएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल 25/12। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 12 इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से अवर वाली और यहां से ये वाली को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ, यस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैसे ही? ये 12 टू टाइम 24 एक्स स्क्वायर प्लस फिर से 2 आ गया तो 12 टू टाइम 24 लेकिन यहां पे x है प्लस 12 वन टाइम 12 थोड़ा सा मैं अलग से लिखता हूं। अब इक्वल में मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है जी, अब इसके बाद ये जो 25 एक्स स्क्वायर है प्लस 25 एक्स है इसको लाऊंगा इक्वल के इस तरफ और इसकी साइन को चेंज करता हूं तो ये देखिए जरा ये हमारे पास 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स इक्वल जीरो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस करते हैं तो ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो ये 24 प्लस में है माइनस 25 में है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर से ये 24 एक्स है प्लस में और माइनस 25 एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। अब हमारे पास ये देखें 12 है और 12 में ही है बस ठीक है और नहीं है तो यहां पे 12 इज इक्वल जीरो। यहां तक हमने एक इक्वेशन बना ली है, अब हम इसमें से कॉमन भी ले लेते हैं यहां पे तो यहां पे कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल जीरो तो यह माइनस जो है जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आगे क्या होगा आगे देखते हैं जी। ये देखें माइनस इज इक्वल जीरो कैंसिल और जो बाकी बची है हमारे पास इसको बाद में देखते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल जीरो। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है आगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा 4 और 3 यस तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल जीरो तो x कॉमन इंटू x प्लस 4 माइनस 3 इंटू x प्लस 4। यहां पे देखिए पहले भी एक क्वेश्चन किया है यहां पे हमने माइनस कॉमन लिया था यहां भी माइनस कॉमन लिया और इंटू की साइन को चेंज कर दिया है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल जीरो और यहां पे आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल जीरो। यहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू जो कि माइनस 4 एंड यहां पे 3। ये हमारा सॉल्यूशन है इस पार्ट का। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट लिखा हुआ है लास्ट वाला तो उसको करते हैं, वगैरह लेंथी है तो मैं इसको रेज कर रहा हूं। जी स्टूडेंट्स उसको मैं यहां पे लिखता हूं
ताकि आप लोगों को दरम्यान लिखा नजर ठीक आ जाए। 2 आवर x माइनस 9 इज इक्वल 1 आवर x माइनस 3 x आवर 4 माइनस आवर 9। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो कंप्लीट क्वेश्चन कर रहा हूं। अब यहां पे हमारे पास इसके दो सोल्यूशन है, एक तो हम मल्टीप्लाई कर लें स्टार्ट पे, वो स्टेटमेंट लिखें मल्टीप्लाई बाई इट्स एलसीएम, लेकिन जरा लेंथी हो जाएगा तो हम इसको अलग अलग करते हैं जिस तरह पहले किया है। 2 आवर x माइनस 9 सेम लिखा, इसमें से एलसीएम लेंगे जो कि x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 हमारे एलसीएम, यहां पे 1 लिखेंगे जो भी यहां पे हो। अब ये देखें x माइनस 3 से कैंसिल है तो ये लिख देंगे x माइनस 4 इंटू में, और ये माइनस लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे और x माइनस 4 यहां पे कैंसिल है तो यहां पे क्या आएगा फिर x माइनस 3। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। अब यहां पे 2 आवर x माइनस 9 सेम लिखते हुए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ तो x माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इनटू के साथ x माइनस 3 के साथ, ये माइनस 1 है तो ये माइनस प्लस माइनस x1 टाइम x माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3 आवर x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो -4x फिर -3x फिर +12। तो ये देखिए ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 आवर x माइनस 9 इज इक्वल -4 और +3 है तो ये -1 आ जाएगा और आवर में क्या आएगा आवर में आएगा x² -4x - 3x। अब -3 और -4 इसको भी मैं यहां पे लिख लेता हूं -7x + 12, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करना है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ ले चलते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए जरा ये आ जाएगा 2 ये 2 इनटू x² - 7x + 12 इज इक्वल -1 इनटू x - 9। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई इसको कर देना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² - 2 7 टाइम 14x, ये +12 2 टाइम 24 इज इक्वल माइनस है इन टू सर को चेंज कर देते हैं तो -x + 9। अब इसको मैं आगे लिखता हूं ऊपर जाके यहां पे देखें तो ये हमारे पास 2x² - 14x + 24, ये जो माइनस है इसको लाऊंगा इक्वल के इस तरफ तो इसकी साइन को चेंज कर दूंगा, ये प्लस एक्स से -9 इज इक्वल 0। अब देखिए स्टूडेंट ये तो 2x² आ गया, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 14 है माइनस का और ये प्लस का तो ये आएगा -13x और 24 में से 9 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा -24, ठीक है ये +24 है और ये -9 है तो ये आ जाएगा +15 इज इक्वल 0। अब हमने फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट को लास्ट मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 30x² आ रहा है तो हमें जो पेयर चाहिए वो 10 और 3 होंगे क्योंकि 10 और 3 दोनों माइनस में होंगे। चेक कीजिए ये देखें फैक्टराइज कर रहा हूं 2x² - 10x - 3x + 15 इज इक्वल 0। अब ये देखें 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा 15 × 2 = 13 आता है तो यहां पे हमारे पास आ और ये प्लस आ रहा है माइनस माइनस प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की होती है और 10 3 टाइम 10 और 3 13 ये इसके फैक्टर होंगे। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन आएगा 2x इनटू में क्या आएगा x - 5 तो -3 कॉमन इनटू कॉमन ले लिया है माइनस को, जहां भी प्लस आ जाएगा यहां से प्लस है और यहां पे माइनस और 3 5 टाइम इज इक्वल 0। अब ये देखें फिर से सेम है तो यहां हमारे पास आ जाएगा x - 5 इनटू 2x - 3 इज इक्वल 0 तो अब x - 5 इज इक्वल 0 2x - 3 इज इक्वल 0। यहां से आप इजीली जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स,
तो यहां पे x इज इक्वल 5 और 2x इज इक्वल 3, x इज इक्वल 3 आवर 2। ये था हमारा सॉल्यूशन सेट। प्रिय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 था, 1.1 10th क्लास का मैथ था, तो इसमें जो 2 क्वेश्चन के जो पार्ट्स थे 6 के 6 वो मैंने कर दिए हैं। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।